हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट दुकान। 4 अगस्त से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के चलते ही हम आपको अपनी इस वीडियो में भारत की प्रिडिक्ट प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग के एक छोर पर तो रोहित शर्मा का स्थान पक्का है, लेकिन शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद दूसरा ओपनर कौन होगा, ये दिलचस्प सवाल बना हुआ है। भारत के पास ओपनिंग के विकल्प के रूप में मयंक अग्रवाल, अभिमन्यु सुरन जैसे विकल्प होंगे। केएल राहुल भी टीम के साथ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट पहले ही बोल चुका है कि उन्हें इस दौरे पर बतौर मध्यक्रम के खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ऐसे में रोहित के साथ मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा होंगे। उनकी मौजूदा फॉर्म को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें एक मौका और देना चाहेगा। नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली होंगे, उनके कंधों पर टीम की कप्तानी का जिम्मेदारी भी होगी। वहीं नंबर 5 की जिम्मेदारी उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को मिलेगी। भारतीय टीम इस मैच में एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ खेल सकती है। ऐसे में नंबर 6 पर केएल राहुल को मौका मिल सकता है। नंबर 7 पर विकेटकीपर ऋषभ पंत होंगे। भारतीय टीम इस मैच में एक ही स्पिनर के साथ जाना जाएगी, जो अनुभवी रविचंद्रन अश्विन होंगे। जडेजा को इस मैच की प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल लग रहा है। 3 तेज गेंदबाज इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, और यह 3 तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को इस मैच की प्लेइंग 11 में मौका मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, मुझे यह प्लेइंग 11 काफ़ी अच्छी लग रही है, और यह प्लेइंग 11 पहले टेस्ट में इंग्लैंड को हरा भी सकती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच में हरा सकती है।